हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं नलिनी, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं स्वीट डिश की रेसिपी। ये है, छोटी सी कटोरी मैंने बनाई है जो कि सिमई से बनी हुई है और इसके अंदर मैंने रबड़ी बनाकर इसको सर्व किया है। तो देखते हैं किस तरीके से बनती है। यहाँ पर हमने सिवई का, ये जो महीन वाली सिवई है, ये मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगी। ये छोटा वाला पैकेट है, आप ले लीजिए। और यहाँ पर हमने आधा लीटर दूध लिया है पैकेट वाला, और शुगर लिया है 2 से 3 चम्मच, मिल्क पाउडर एक छोटा बाउल लिया है लगभग 100 ग्राम, और यहाँ पर मिल्क मेड घर का बना हुआ है एक छोटा बाउल लिया है। इसकी रेसिपी हमारे चैनल में आप देख सकते हो कैसे बनता है घर पर। और यहाँ पर हमने थोड़ी सी चिरौंजी ली है ड्राई फ्रूट्स में, बादाम कट कर ली है, केसर को दूध में भिगोया है, थोड़ा सा खरबूजे का बीज ले लिया है। अब हम क्या करते हैं, ये सिमई के पैकेट को थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं ताकि ये लंबे लंबे रेसे होते हैं तो ये बिल्कुल छोटे छोटे से हो जाएंगे। बिना पैकेट खोले आप इस तरीके से कर लीजिए। अब हम पैकेट को खोलते हैं और इसको बड़ी सी थाल में निकाल लेते हैं। ये देखिए पूरी क्रश हो चुकी है। अब हम इसको एक पैन चढ़ाएंगे, इंडक्शन को या गैस को ऑन करेंगे, बिल्कुल धीमी सी आंच पर हम इसको पैन में डालेंगे और थोड़ी देर हम उसको रोस्ट करेंगे। ऑलरेडी ये रोस्ट होते हैं इसलिए हमें थोड़ा सा बस और इसको गर्म करना है। ये देखिए लगभग हो चुकी है। इसको करने में आधा से एक मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसको थाल में निकाल लेंगे। उसके पहले हम इसमें डालेंगे मिल्क मेड, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसका हमें एक छोटा सा डो बनाना है लगभग। ये ड्राई है इसलिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास मिल्क मेड नहीं है घर पर या मार्केट का भी नहीं है तो आप ऐसा करिए, दूध को गाढ़ा कर लीजिए और उसको भी आप इसमें कर सकते हैं। इस तरीके से डालकर उसमें चीनी भी डाल दीजिए और इस तरीके से इसका डो बना सकते हैं आप। और इसको गर्म गर्म में ही, हमें बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं निकालना है, गर्म ही गर्म में इसकी हमें थाल में निकाल कर इस तरीके से। हमने एक पॉट लिया है, ये केक बनाने वाला मोल्ड है। आपके पास नहीं है तो आप कटोरियों में बना सकते हैं। इस तरीके से डालना है, हल्का सा गर्म रहे तभी आप डालिएगा। ये देखिए कॉर्नर से बिल्कुल प्रेस करते जाइए, बीच में आपको स्पेस देखना है। एक कटोरी का इसका शेप देना है आपको, चाहिए तो आप सिंगल कटोरी में भी इस चीज़ को बना सकते हैं। ये देखिए प्रेस करिए आप इस तरीके से कॉर्नर्स को और फिनिशिंग दे दीजिए। इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे डालकर। आपको छोटे चाहिए और वैसे डिप वाले तो आप छोटी छोटी कटोरियों में बना लीजिए। और अब हम इसको फ्रिज में डाल देंगे, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में 10 मिनट के लिए। एक पैन हमने चढ़ाया है, इसमें जो आधा लीटर दूध था हमने बॉयल कर लिया था, इसमें मलाई भी आ गई थी, वो हमने पैन में डाल दिया है। और अब इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, बस बहुत ज़्यादा नहीं। और अगर आपका बॉयल दूध है तो उसमें कुछ नहीं करना है, इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मिल्क मेड डाला है। और इसमें मिल्क पाउडर जो हमने लिया था एक छोटा सा बाउल, उसको डाल देंगे। और इसको बराबर बहुत जल्दी हमें चलाना है, और नहीं चलाएँगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं। और मिल्क पाउडर आपके पास नहीं है तो ओरिजिनल आप दूध से भी बना सकते हैं इस रबड़ी को। आप ड्राई फ्रूट्स में हम सारे डाल देंगे, चिरौंजी, खरबूजे का बीज, इसके अलावा आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप डिफरेंट डाल सकते हैं। बादाम को हमने इस तरीके से कट किया है, ये देखने में भी सुंदर लगते हैं, इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। और इसको खूब गाढ़ा होने देंगे। केसर वाला दूध हमने जो लिया था, केसर भिगोया था, थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा हम सेफ अलग रख लेंगे। ये देखिए बहुत गाढ़ा हो चुका है ये दूध। अगर आपके पास, मैंने बताया, मिल्क पाउडर नहीं है तो ओरिजिनल आप दूध से भी इस तरीके से रबड़ी को बना सकते हैं। दूध की क्वांटिटी आप ज़्यादा कर दीजिए थोड़ा। ये गाढ़ा हो चुका है लगभग। हमने गैस का फ्लेम अब हम बंद करके इसको थोड़ा सा पतला ही रखेंगे, क्योंकि ठंडा होने पर यह गाढ़ा हो जाता है। देखिए अभी बहुत गर्म है, ठंडा हो जाएगा तो हम इसको फ्रिज में डाल देंगे और इन कटोरियों को 10 मिनट के बाद निकालेंगे। और एक चाकू की सहायता से फटाफट निकल जाती है। अभी हम दो निकालते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया शेप आया, और बिल्कुल न्यू डिश है।
इसको आप किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं या ऐसे भी किसी पार्टी वगैरह में आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये कितना गाढ़ा, ये देखिए इस तरीके से रबड़ी हो गई है, इसमें मलाई भी अच्छे से निकल आई है। इसको अच्छी क्वांटिटी में इस कटोरी के अंदर भरेंगे और सिमई के साथ ही इस कटोरी को आपको खाना है। और जो भी गेस्ट आए आप उनके सामने अगर इसको सर्व करेंगे तो कोई मानेगा नहीं कि ये आपने घर पे बनाया है इस डिश को। और इस बादाम के टुकड़े को ऐसे हाफ किया था, इससे डेकोरेट कर देते हैं। आप चाहिए तो पिस्ते से कर दीजिए अगर आपके पास हो तो। और फेस्टिवल भी आने वाले हैं, केसर के दूध इस तरीके से डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और दुगना बढ़ जाएगा। आप चाहिए यहाँ पर इलायची भी डाल दीजिए, केसर के धागे से इस तरीके से सजा देंगे। और दोस्तों अगर पसंद आती है तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर दीजिए, ताकि जो नई नई रेसिपियाँ इस तरीके से अब आएंगी या आई हैं तो आप सबसे पहले देख सकें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये आपकी डिश कैसी बनी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे मेरे चैनल को और लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय।